हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सैमसंग एम सीरीज़, ए सीरीज़ और नोट सीरीज़, जो भी एक्जिनॉस डबल डेकर सीपीयू आते हैं, एक्जिनॉस जो डबल डेकर सीपीयू आते हैं, सैमसंग A50, A50S, M21, M31, A51, मतलब बहुत सारे मॉडल आते हैं जिनमें एक्जिनॉस सीपीयू आता है और 6 महीने, 1 साल चल के उनमें रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है, या लोगो प्रॉब्लम आती है, या डेड की प्रॉब्लम आती है। तो वो सीपीयू और रैम ड्राई शोल्डर की वजह से आती है तो मोस्टली। और किसी 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 केस में हमें ना रैम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी ये A50S है जो मेरे पास है, अभी इसका सीपीयू मैंने रिवाल कर दिया है। तो इसका क्या है, सीपीयू मैंने इसका लगा दिया है, मैंने देखा है 90% टेक्नीशियन लोग जिनको डबल डेकर सीपीयू सक्सेस नहीं होता, उनको कहां से प्रॉब्लम आती है। मुझे जहां तक लगता है कि जो रैम बैठाते हैं वो ऊपर, इसके ऊपर जो ये रैम बैठाते हैं, तो रैम बैठाने में उनकी दिक्कत होती है। रैम जब बैठाते हैं वो, तो मोस्टली ये लाइन शॉर्ट हो जाती है। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये शॉर्ट हो जाती है उनकी। रैम बैठाएंगे और ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी और फोन बूट अप नहीं होगा। ये जो लाइन है यहाँ पे VDD है, रैम की VDD वोल्टेज है ये 1.1 वोल्ट। मान लो 1 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, जो पावर IC के यहाँ से आती है ये सप्लाई, तो जाती है रैम के अंदर CPU के होते हुए इन दो बाल से। ये जो यहाँ पे दो बाल है, 1, 2, और यहाँ पे भी 1, 2, और भी कहीं होगी, मैंने जहाँ तक ट्रेस करा है 1, 2, और यहाँ पे भी 1 और 2, इन दो पे ये मतलब ये सप्लाई जाती है, ये 1.1 वोल्ट है ये। तो इसका क्या इलाज है कि मैंने इतनी सारी रैम यहाँ पे रखी है अभी आपको दिखाने के लिए, कि आप कैसे श्योर हो जाएंगे कि रैम को पीसीबी पे लगाने से पहले ही आप कैसे कंफर्म हो जाएंगे कि ये रैम फॉल्टी है या आपके लगाने में दिक्कत है, रैम बैठाने में दिक्कत है या रैम ऑलरेडी फॉल्टी है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए ही मैंने ये आज वीडियो बनाया है, खास तौर मैंने ये वीडियो बनाया है इसके लिए ही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो रैम है, ये है रैम माइक्रॉन की, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है, मतलब बहुत सारे टेक्नीशियन लोग, भाई लोग जो है कि माइक्रॉन की रैम या EMMC देख के ही उसको हाथ लगाने से डरते हैं मोस्टली, मैंने ये देखा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, माइक्रॉन की जो रैम है ये उतनी नाजुक नहीं है जितनी कि BGA221 की EMMC है। BGA221 की बात कर रहा हूँ मैं, वो इससे ज़्यादा नाजुक है, तो ये उतनी नाजुक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बाहर ही बाहर चेक करेंगे कि ये रैम फॉल्टी है या रैम को बैठाने में कोई दिक्कत हो रही है पीसीबी पे, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहां पे, ये जो यू टाइप बना हुआ है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ग्राउंड है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा जो है सप्लाई है। इसमें भी कोई कोई ग्राउंड होगा, ऐसा नहीं है, मगर मोस्टली बाल इसमें काम किए, ठीक है।
ठीक है, ये एरिया सारा ग्राउंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखेंगे, डायोड मोड पे रखेंगे। मैंने मल्टीमीटर डायोड मोड पे रखा है और मल्टीमीटर की जो प्रोब है एक, वो मैंने ट्वीज़र में फंसा दी है और एक ब्लैक वाली मैंने ऐसे ही रख दी। अभी क्या करेंगे, मैं ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे रखूंगा, और लाल वाली प्रोब जो है वो VDD जो इन जाता है रैम में, उन डॉट पे रखूंगा और GR चेक करूंगा। ये जो डॉट है यहाँ पे, जो सोल्डर पॉइंट है यहाँ पे, एक और दो, ये दोनों VDD 1.1 वोल्ट है, और ये भी सेम ट्रैक है, VDD 1.1 वोल्ट, ठीक है, जो पावर सप्लाई पावर आईसी से आता है, जो पावर आईसी से ट्रैक आता है, सप्लाई आती है 1.1 वोल्ट रैम को रन करने के लिए, ठीक है। तो इस पे मैं GR चेक करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे रखी है, रैम की रैम अभी बाहर है फोन से, ठीक है। ये जो एरिया है ये सारा ग्राउंड है, किसी भी बॉल पे रख सकते हो आप। ये ब्लैक वाली प्रोब जो मैंने रखी है अभी, और लाल वाली प्रोब मैंने ट्वीज़र से जुड़ी जॉइंट की कर रखी है। तो अभी मैं यहाँ पे GR चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रैम जो है माइक्रॉन की है, ठीक है, माइक्रॉन में अलग वैल्यू है और सैमसंग में अलग वैल्यू है। माइक्रॉन में अलग GR आएगा और सैमसंग में अलग GR आएगा, ठीक है। आप याद रखना किस में कितना GR आना चाहिए, उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि रैम बाहर ही बाहर खराब है या रैम ठीक है। तो इस वाली रैम में आ रहा है 16, ओनली 16 वैल्यू आ रही है इस पे, 16 वैल्यू आ रही है इस पे, आप देख सकते हैं 16-17 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ ऐसा, अभी आ रही है 16, ठीक है। अभी मैं इसको रिवर्स मोड में चेक करूंगा। अभी लाल वाली प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाली प्रोब जो है वो VDD इन पे रखेंगे, जो रैम पे सप्लाई आती है, जो रैम का सप्लाई ट्रैक है। अभी इस पे आ रही है 13, ठीक है, 13 GR आ रहा है इस पे, 1213 कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब है ये रैम ओके है, ये जो रैम है ये 99% वर्क करेगी अगर आप इसे सही से बैठाएंगे, ठीक है। ये माइक्रॉन की रैम है, आप देख सकते हैं इसमें इतना ही GR आता है, ठीक है। ये मैंने साइड में कर दी ये वाली रैम। अब मैं दूसरी रैम उठाऊंगा हाथ में, आप देख सकते हैं ये दूसरी रैम है, ये भी माइक्रॉन की है, ठीक है, ये भी माइक्रॉन की ही रैम है। इसमें भी चेक करेंगे ताकि मैं आपको कन्फर्म करा दूं कि ये GR इनमें इतना ही आता है। ये मैंने लाल वाली प्रोब ग्राउंड पे रखी है और ब्लैक वाली प्रोब जो है वो VDD पे रखूंगा मैं। आप देख सकते हैं इसमें भी इतना ही आ रहा है, 13, लाल वाली प्रोब ग्राउंड पे रख के 13 आ रहा है, 13, 14, 15 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। और अब मैं ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे रखूंगा और लाल वाली प्रोब जो है वो VDD पे रखूंगा। आप देख सकते हैं इसमें भी 17 ही आ रहा है, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे VDD है, तो इसमें भी 17 ही आ रहा है। ये होगी दो रैम माइक्रॉन की, ठीक, दो पीस रैम जो है मैंने आपको चेक कराया अभी माइक्रॉन की, ये तीसरा पीस है माइक्रॉन का, ठीक है। इस पे मैंने ऑलरेडी क्रॉस बना के रखा है, ये फॉल्टी रैम है, ठीक है। तो इस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे कितना GR आ रहा है। ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे है और लाल वाली प्रोब VDD पे, आप देख सकते हैं इसमें ओनली 2 GR आ रही है, ठीक है, ओनली 2-1 कुछ ऐसा आ रहा है। अभी लाल वाली प्रोब जो है वो ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाली
VDD पे रखेंगे, इस फॉल्टी रैम पे, ये फॉल्टी रैम है। तो आप देख सकते हैं इसको रिवर्स मोड में भी सेम वैल्यू यही आ रही है, 1 या 2 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये फुल शॉट है ये रैम, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और रैम चेक कराता हूँ सैमसंग की, ठीक है। आपने देखा जो ओके रैम है माइक्रॉन की उनमें कितना जीआर आ रहा है, जो और जो फॉल्टी रैम है माइक्रॉन की उनमें कितना जीआर आ रहा है। लाल वाली प्रोब ग्राउंड पे रखूंगा मैं, ये सैमसंग की रैम है, और ब्लैक वाली प्रोब VDD पे रखूंगा मैं, लाल वाली ग्राउंड पे और ब्लैक वाली VDD पे। आप देख सकते हैं इसमें 107 GR आ रहा है, 107-108 GR आ रहा है एक साइड से, लाल वाली प्रोब ग्राउंड पे रख के, और अब ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे और लाल वाली प्रोब VDD पे। आप देख सकते हैं इसमें 375 आ रहा है सैमसंग में, ये सैमसंग की रैम है, यानी कि ये भी ओके है। हाँ, अगर ये भले सैमसंग हो भले माइक्रॉन है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, 0102 ओनली, 0102 भले वो कोई भी कंपनी को की हो वो शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर 01 या 02 आ रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं मैं इन दो को शॉर्ट कर रहा हूँ आपस में मल्टीमीटर की प्रोब को, यहाँ पे 01 आ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी 01 या 02 आएगा दोनों साइड से, तो ये रैम शॉर्ट है भले वो किसी भी कंपनी की हो। फिर अभी मैंने आपको दिखाया कि माइक्रॉन में कितनी वैल्यू आ रही और सैमसंग में कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया।